नमस्कार, आज हमारे साथ हैं शिवचरण सिंह जी, जिन्होंने बाबा साहब को बहुत अच्छे से पढ़ा हुआ है। शिवचरण जी, पहले तो आपका हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। हाँ शिवचरण जी, एक बात बताइए, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने 2 वोट का अधिकार मांगा था और उनको 1 वोट का अधिकार मिला था, तो क्या है वो पूना पैट और 2 वोट का अधिकार, थोड़ा उसके बारे में क्लेरिफिकेशन करें। देखिएगा, बाबा साहब ने वो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस जब हुई लंदन में, उसमें रेमजे मैकडोनाल्ड ने हमको अवार्ड दिया, कमनल अवार्ड। उस अवार्ड में 2 वोट का अधिकार था, 1 वोट से हम अपना प्रतिनिधि चुनेंगे और दूसरा वोट जनरल को भी देंगे जी। लेकिन महात्मा गांधी ने, जब बाबा साहब लौटे तो महात्मा गांधी ने इस पर वहाँ पर पुणा में वो आमरण अनशन कर दिया। उसने सोचा यदि इसको 2 वोट का अधिकार मिल गया तो ये तो इनका शासन हो जाएगा जी, और इसलिए उन्होंने आमरण अनशन किया। और बाबा साहब ने उनको मजबूर होकर, क्योंकि बाबा साहब के सामने इतने सत्याग्रह हो गए, घेर लिया उनको और राजनेताओं ने और उनकी पब्लिक ने, मजबूर होकर बाबा साहब को वो पूना पैक्ट पे, वहाँ पर पूना में यरवदा जेल में थे तो पूना गांधी को जिंदा किया। और यदि हमको 2 वोट का अधिकार रहता तो 1 वोट से हम अपना प्रतिनिधि चुनते, जो सही प्रतिनिधि आता, और दूसरे वोट से जनरल भी होते तो हमारी वैल्यू होती जी, और इस तरह से हमारा शासन होता। आज की तारीख में वो क्या हुआ, तय हुआ, उसमें हमको 148 संसदीय सीट मिली, 18% रिजर्वेशन मिला, जिसमें ज्वाइंट पार्लियामेंट है जो आज लागू है, और हमारे जो मेंबर पार्लियामेंट आज चुनकर आते हैं वो हमारी बात नहीं बोलते, वो हमारे रिप्रेजेंटेटिव, श्रीलुकास के रिप्रेजेंटेटिव नहीं होते, वो अपनी पार्टियों के मैनिफेस्टो बोलते हैं, पार्टी के डिक्टेट बोलते हैं। इसका मेन उदाहरण ये है कि पिछली संसद में जो उस समय क्या हुआ कि हमारा जो हमारे ही प्रतिनिधि ने जो बिजनौर से था, वो हमारा जो रिजर्वेशन का बिल था वो हमारे मंत्री से छीन के वो फाड़ दिया जी। और वो हमारा ही प्रतिनिधि था, समाजवादी पार्टी का प्रतिनिधि था, और हमारी पार्टी के जो हमारे जो संसद चुन के आते हैं हमारे रिजर्वेशन के, वो हमारे मसले पर नहीं बोलते जी। वो 99% अपने पार्टी के डिक्टेटर बोलते हैं, और वो गुलाम हैं इस देश के, हमारे देश में पार्टियों के गुलाम हैं, हमारे रिप्रेजेंटेटिव नहीं है। मैं तो इसी बात को कहता हूँ, यदि हमारा जो ये है 2 वोट का अधिकार हमको नहीं मिला, लेकिन हमको जो जनरल सीट पे भी लड़ना चाहिए, जिससे हम बैलेंसिंग फोर्स होंगे, हमारा वोट आज बेकार हो गया है, उसकी कहीं कीमत नहीं है, इसलिए हमको जनरल सीट पे भी लड़के आना चाहिए, तभी हम कुछ कर सकते हैं। यही मेरी सब लोगों से प्रार्थना है कि हमारा अपना वोट अपने प्रतिनिधि को दें, क्योंकि कोई भी OBC SC ST यदि मिल जाते हैं तो हमारा शासन। शिव जी, एक बात बताइए, आपने बताया कि अपने वोट का सही इस्तेमाल करें और आप अपना वोट अपने एक बहुजन समाज के लोग को दें, कहीं ना कहीं आपका इशारा कहीं बहन कुमारी मायावती की तरफ तो नहीं है, क्या उसके बारे में बोलेंगे वो भी अगर? हाँ बिल्कुल, मेरा क्योंकि हमारी एक ही पार्टी है, वही हमारे पार्लियामेंट में लड़ती है जी, और वही समाज के मुद्दों को उठाती है, और तो कोई उठाता नहीं जी। हम तो यही कहते हैं कि जब तक बाबा साहब ने यही कहा कि सत्ता प्राप्त करो, सत्ता की चाबी यदि आपके हाथ में होगी तो खुल जाएगा, और सत्ता केवल जो आपका घर का मालिक है वो ही समझ सकता है हमारे घर में क्या कमी है। शिव जी, एक बात बताइए, अगर बहन कुमारी मायावती जी की सरकार आती है तो क्या इस देश में बहुजन समाज को कहीं ना कहीं सर उठाने की जगह मिल पाएगी, जैसे आज भी घोड़ी पे नहीं चढ़ने दिया जाता है ना, तो कहीं ना कहीं आपको लगता है कि अगर 2019 के अंदर बहन कुमारी मायावती की सरकार आती है तो क्या परिवर्तन हो सकते हैं इस देश के अंदर? आपका इतिहास गवाह है जी, उत्तर प्रदेश सबसे बड़ा प्रदेश है जी, बहन कुमारी मायावती 4 बार मुख्यमंत्री बनी जी, 1 बार अपने बल पर मुख्यमंत्री बनी जी। उस समय हमारा जो बहुजन समाज था, दलित वर्ग था, जय भीम का नारा, औरतें जो हमारी थी जय भीम करके वो सर उठा के चलती थी जी, उसको किसी का डर नहीं था जी, उसका मनोबल बढ़ गया था जी, और जैसे ही बहन जी उतरी तो हमारा मनोबल टूट गया। यदि देश की प्रधानमंत्री बहन मायावती बन जाती है तो निश्चित रूप से हमारा जो सामाजिक स्तर, राजनीतिक स्तर और अपना मानसिक जो हमारा थिंकिंग है वो बढ़ेगी, और समाज का साहस बढ़ेगा, समाज की इज्जत बढ़ेगी।
आप थे शिवजी, जिन्होंने बड़ी खूबसूरती से बताया कि अगर 2019 के अंदर बहन कुमारी मायावती की सरकार आती है तो बहुजन समाज के लोगों का कद बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा और जितने भी अत्याचार परेशानियां जैसी बहुजन समाज के लोगों को झेलनी पड़ती है वो बिल्कुल नहीं झेलनी पड़ेगी। और उन्होंने ये भी कहा कि अपने वोट का सही इस्तेमाल करना ही चाहिए, जो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने दिया था। सर, हमारे चैनल से बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू वेरी मच। धन्यवाद। जय भीम, जय भारत।